तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक हो रहा है कि आप जब कनाडा आओगे तो अपने साथ कौन कौन से कपड़े और कैसे कपड़े अपने साथ कैरी कर सको। तो ये वीडियो मैं मतलब कि दो पार्ट्स में बनाऊंगा, पहले लड़कियों के और लड़कों के। ये क्योंकि लड़कियों के यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेंज में मिलते हैं और होते भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। मीन्स कि आप इजीली कपड़े ले सकती हैं यहाँ पे लड़कियाँ, और एज़ कम्पेयर टू हम करें लड़कों के साथ तो लड़कों के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और जो वैरायटी होती है वो भी मान लो कि अगर लड़कियों की वैरायटी है कपड़ों में 100% और लड़कों की उस वहाँ पे आएगी 10% सीधा। मतलब कि एक पूरे के पूरे आउटलेट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ से छोटा सा एक सेक्शन होगा, वो होगा लड़कों का। मीन्स कि जैसे हमारी छोटी दुकानें होती हैं ना, वैसे सेक्शन होता है, लेकिन उसमें कपड़े कम ही होते हैं। सो ऐसे करके कुछ सीन है लड़कों का और लड़कियों का। मेनली जो आप अपने कपड़े कैरी करो, क्योंकि यहाँ पे जो कनाडा में सिस्टम चलता है वो चलता है लेयरिंग का। मीन्स कि आप कितने ज़्यादा लेयर्स में कपड़े पहनते हो। अभी मैंने नीचे जो पहना है वो वार्मर पहना है, उसके ऊपर मैंने ये हुडी पहनी है, उसके ऊपर मैंने ये जैकेट पहनी है। तो आज है नॉर्मल डे। यहाँ पे एक और वेदर का मैं आपको बता दूं, जो कि अभी जनवरी में आ रहे हैं। मेरे को भी यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने बताया था, जिसको कि अभी 3-4 साल हो चुके हैं यहाँ पे, कि जब ऐसे क्लाउडी वेदर हो तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो ठंड होगी कम होगी एज कम्पेयर टू कि जब सनी वेदर हो। परसों था यहाँ पे मतलब कि पूरी अच्छी तरह से धूप लगी थी, जैसे हम इंडिया में करते हैं ना कि हाँ भी आज सूरज निकला है आज ठंड कम होगी, लेकिन यहाँ पे उस दिन इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि अगर आपने अपना फेस कवर नहीं किया, हैंड्स कवर नहीं किए तो वो फ्रीज हो रहे थे। और मेरा फोन 3 बार बंद हुआ था उस दिन मेरे काम पे जाते जाते रस्ते में। सो ये थोड़ा सा वेदर का यहाँ पे सिस्टम ऐसे चलता है। और जो कपड़े हैं अब उन पे आते हैं कि कपड़े आप जो कैरी करोगे वो अच्छे से करना, ज़्यादा फालतू के कपड़े मत लेके आना। 3-4 जीन्स और एक उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके फॉर्मल्स, लड़के और लड़की दोनों। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन वगैरह होती है तो वो कहते हैं कि अपनी जो है वो ड्रेसिंग जो रखो वो फॉर्मल रखो, तो वो फॉर्मल ड्रेसिंग आपकी फ्री हो सकती है अगर आपने अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहने हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कपड़ों के लिए और कितनी कितनी क्वांटिटी में लेके आने हैं। मतलब कि आप अगर आ रहे हो जैन टेक में तो फिर तो आप अपने साथ कपड़े कैरी करो, जो करो वो ठंड वाले करो, क्योंकि यहाँ पे टी शर्ट वगैरह तो फिर भी इजीली मिल जाती हैं, लेकिन जो ये हुडीज वगैरह होती हैं और बाकी जो सामान होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, स्पेशली लड़कों को। लड़कियाँ भी ये सब चीज़ें कैरी कर सकती हैं, लेकिन उनको यहाँ से काफ़ी सस्ती रेंज में मिल जाता है। और इंडिया से मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 3-4 जो हैं वो अपने लोअर्स लेके आना, साथ में 2-3 वॉर्मर लेके आना, और ये वाली हुडीज वगैरह भी आप लेके आ सकते हो। बेसिकली कपड़े ऐसे लेके आना जो कि जैसे कि ये वाली जो हुडी है ये है पतली है लेकिन ये गर्म है, तो ऐसे वाले कपड़े लेके आना कि आप लेयरिंग कर सकते हो। क्योंकि अभी बाहर है तो अभी ये जैकेट पहनी हुई है, जब हम अंदर जाएंगे या किसी घर पे जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे या काम पे जाएंगे तो अंदर क्या होगा, अंदर गर्मी होगी, तो फिर आप ये जैकेट उतार सकते हो, तो इस हिसाब से कपड़े लेके आना। बाकी यहाँ पे सीन जो है वो काफी अच्छा चलता है, इतनी ठंड महसूस नहीं होती जितनी कि हमें इंडिया में होती है। जो स्पेशली पंजाब और दिल्ली से हैं उनको पता है कि ठंड के मौसम में क्या क्या हाल होता है हमारा, वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो वर्क का काम होता है वो काफी इजिली होता है, सो आप अच्छे से काम कर सकते हो, कोई इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर।